इनके लब रंगी मिठावर के जिसने। अगर नहीं है सोना चांदी पास में, ऐसे सूरत में कि प्लास्टिक के जो कड़े आते हैं वो पहन सकते हैं, प्लास्टिक की चूड़ी वगैरह भी आती हैं तो औरत पहन सकती है, तो जो चीज़ पहनना जायज़ है उसके अंदर औरत को नमाज भी जायज़ है पहनना। तो ज़ेवर के एतबार से औरत जो भी चीज़ पहनेगी हाँ, जिसका पहनने में कोई शरीयत के अंदर हर्ज नहीं और गुनाह नहीं, जैसे कि चूड़ी प्लास्टिक की आपने पूछा, तो ये चूड़ी और कड़े इसमें दोनों ही शामिल हैं, और कांच की तो जायज़ है ही पहनना और उसमें नमाज भी जायज़ है, तो इस हिसाब से ये प्लास्टिक के कड़े और चूड़ी भी पहन सकते हैं और इसे पहन के नमाज भी पढ़ सकते हैं अगर चांदी के जेवरात मौजूद नहीं हैं तो। और ये प्लास्टिक जो है वो किसी किस्म की धात नहीं है, तो औरत को जो धातु है सोना चांदी के अलावा वो तमाम औरत मर्द दोनों को ही नाजायज़ है, तो इसलिए औरत प्लास्टिक पहन सकती है चूड़ी और कड़े दोनों में, और कांच की चूड़ी भी पहन सकती है। तो कांच और प्लास्टिक दोनों को मिला के पहन ले, यानी प्लास्टिक के कड़े वगैरह उसके कांच के बीच में, तो उससे जो है ना आवाज़ भी थोड़ी कम हो जाएगी कांच की चूड़ियों की, और प्लास्टिक में भी नमाज भी इस सूरत में हो जाएगी। पत्थर में हसन लाले पुरनवार